दीपावली पर बाजार में बड़ी चहल पहल के बीच असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की है। शनिवार को थाना प्रभारी बीएल मंडलोई बाइक डीलरों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचे। यहां संचालकों से बिक्री के लिए लाई गई बाइकों की डिटेल पुलिस को मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाइक चोरी की वारदातें बड़ी है, बाइकों के सभी दस्तावेज होने पर ही डील पर बाइकें लगाएं। इसके बाद बस स्टैंड परिसर पहुंचे, यहां चालक परिचालकों को एकत्रित कर उन्हें नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा न करने की शपथ दिलाई, साथ ही यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी। थाना प्रभारी ने बताया, बाजार में भीड़ के बीच कोई घटना न हो इसके लिए पैदल, घोड़ा और चीता वाहनों के साथ ही ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सामान की सुरक्षा आपको करवाना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो प्रयास, ये आप सब समझदार है। दूसरा, एक सरकार का जो है नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, ये पहले भी हमने आपको शपथ दिलवाई थी, आज फिर दोबारा शपथ दिलवा रहे हैं। हम चाहते हैं कम से कम 5% भी इसमें सहयोग हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी अभियान के तहत दोबारा से आज शपथ दिलाई जा रही है, आप इसमें शपथ लेंगे, सभी अपना एक हाथ उठाएंगे, एक एक हाथ उठाइए सभी अपना। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों के तहत नशे को, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, ना कहूँगा, नशे से बचूंगा और समाज में एक विशेष योगदान दूंगा। नशे को ना। ये जो दिवाली त्योहार के तहत जो बाजार व्यवस्था, इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि बाजार व्यवस्था के तहत बाजार में फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं, पैदल भ्रमण में फोर्स लगाया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, साथ ही मोबाइल पार्टी और चीता पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी लगी हुई है और इसके अलावा घोड़ा पार्टी भी लगाई गई है, ताकि बाजार में व्यवस्था बनी रहे, असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार जो आज धनतेरस और दिवाली के दिन पे वाहन खरीदने का जो रहता है, तो आज हमने जितने भी खरगोन शहर में जितने भी ऑटो डील हैं जहाँ की गाड़ियाँ बेचते हैं, उनकी चेकिंग के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि कोई चोरी की गाड़ी या किसी प्रकार की विवादित गाड़ी आड़ी नहीं पाई जाए उसमें। इसी के प्रकार बस स्टैंड पे आके बस स्टैंड के जितने भी बसों के ड्राइवर, कंडक्टर, मालिक, इनको मीटिंग ली गई, इनको समझाया गया कि जो भी सवारियां जो आज भीड़ है उनके समाज की सामान की सुरक्षा और सुरक्षित वाहन चलाएं ताकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, और उनको नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई। शपथ के दौरान उनसे बॉन्ड भराया गया कि आप नशे को ना कहेंगे, नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।